हमारे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण पल, पहला पल। ब्रह्मांड की रचना के पहले पल में अंतरिक्ष और काल, मैटर और ऊर्जा, हर चीज ने पूरी तरह से गति पकड़ ली और तब जाकर जन्म हुआ अंतरिक्ष और समय का, और इससे ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड के पहले पल में ही इतना कुछ हो गया कि भविष्य के ब्रह्मांड के इतिहास में नहीं होगा, चाहे हमारे ब्रह्मांड की उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। और यही उथल पुथल से भरा पहला सेकंड ही ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक चीज को परिभाषित करेगा, मुझे भी और आपको भी। यानी यदि हम पहले सेकंड के बारे में जान लें तो हम इसे समझ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श और आपका साइंस टेक के एक और एपिसोड में स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम ब्रह्मांड की रचना के बारे में जानेंगे, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ एक और जर्नी पर, जहां हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले सेकंड में चलेंगे। जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमारा ब्रह्मांड हमें हैरान और रोमांचित कर देता है। और अगर हम अपने आसपास यानी हमारी पृथ्वी की बात करें, जहां प्राकृतिक चमत्कार है जिसमें जीवन विकसित हो रहा है, ये सब जो कुछ भी देखते हैं वो हमें एक उथल पुथल से भरे एक चमत्कारी पल से ही मिला है, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग सिर्फ मैटर यानी पदार्थ की रचना वाला पल ही नहीं था, इस पल रचना हुई ब्रह्मांड की, जिसका मतलब है अंतरिक्ष और काल की रचना, समय और स्पेस, बाकी अन्य चीजों की रचना करना बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। लेकिन फिजिक्स अभी तक ये नहीं पता लगा पाया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। बस हम इतना जानते हैं कि अनगिनत चीजें अचानक से अस्तित्व में आ गई। हम शुरुआत करते हैं पहले सेकंड से, जब समय खुद ही 0% था। ये वो पल है जब हमें दिखाई देने वाली हर चीज, 100 अरब गैलेक्सी, जिनमें से हर एक गैलेक्सी में 100 अरब से भी अधिक तारे हैं, ये सारा मैटर एक ऐसे क्षेत्र में दबकर समाया था जो कि बहुत ही छोटा था। ब्रह्मांड अपने इस पहले सेकंड में ही इतना ज्यादा विकसित हो गया कि उसके बाद 13 अरब और 80 करोड़ साल में भी उतना नहीं हो पाया। इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि इसे समझने के लिए हमें समय का एकदम नया सिद्धांत चाहिए। अगर हम इंसानों की बात करें तो एक सेकंड बहुत ही कम समय होता है, पर अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो वहाँ इतने समय में ही बहुत कुछ हो सकता है। आमतौर पर हम अपनी जिंदगी में घंटों, मिनटों या फिर छोटी इकाई सेकंड में बांटते हैं, पर ब्रह्मांड की रचना के टाइम स्केल पर यह गिनती बेकार है, क्योंकि बिग बैंग का फैलाव तो लगभग पलक झपकते ही हो गया था। बिग बैंग को मापने के लिए हमें ब्रह्मांड के एक सेकंड के हजारवें, लाखवें या करोड़वें, अरबवें हिस्से से भी अधिक हिस्से में जाना पड़ेगा, जहां पर जाकर फिजिक्स के नियम भी टूटने लगते हैं। पहले सेकंड में क्या हुआ, इसे समझने के लिए हमें प्लैंक टाइम की यूनिट में सोचना पड़ेगा। एक प्लैंक टाइम में 10^-43 सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में 1 अरब 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 प्लैंक टाइम होता है। अभी तक के ब्रह्मांड में सिर्फ 1 अरब अरब सेकंड है, जो उस एक सेकंड से आज तक के इतिहास में मौजूद सेकंड से कहीं कम है। यानी प्लैंक टाइम में पहले सेकंड तक जितना समय था एक सेकंड से लेकर आज तक, उसमें कहीं कम सेकंड मौजूद हैं। यदि हम समय को इतने छोटे हिस्से में बांट पाए तो हम ब्रह्मांड के जन्म की कल्पना एक एक पल में कर सकते हैं। शुरुआत में स्पेस और टाइम विशुद्ध ऊर्जा के बहुत ही छोटे अंश में सिमटे हुए थे। जब प्लैंक टाइम की घड़ी चलना शुरू होती है तो स्पेस और टाइम की गांठ खुलने लगती है। जब हमारी कॉस्मिक घड़ी की सुइयां पहले प्लैंक टाइम पर पहुंचती हैं तो पूरा स्पेस फैल जाता है, ब्रह्मांड हर कहीं एक साथ उत्पन्न हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि रचना के इस पहले पल में ब्रह्मांड में हर चीज पर एक ताकत का नियंत्रण था। जब पहला प्लैंक टाइम गुजर गया तो किसी चीज की वजह से ये जबरदस्त ताकत बट गई, इससे सारी अवस्था छिन्न भिन्न हो गई, और जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ तो ये अलग अलग शक्तियां जम गई और इनका व्यवहार भी बदल गया। उदाहरण के लिए हम भाप को ले सकते हैं, अगर हम भाप को ठंडा करें तो इससे ये तरल बन जाएगा, और अगर हम फिर से ठंडा करें तो ये बर्फ बन जाएगा, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाएगा। इसी तरह से जब ब्रह्मांड ठंडा होने लगा तो अलग अलग शक्तियां एक दूसरे से अलग अलग होने लगी, और इन्हीं शक्तियों के अलग अलग होने से हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाली और साकार रूप देने वाली एक नई शक्ति पैदा हुई, और इस शक्ति का नाम है ग्रेविटी। ये मैटर की मदद से ग्रह, सितारे और गैलेक्सी को बनाने वाली थी। यदि ब्रह्मांड में ग्रेविटी थोड़ी अधिक ताकतवर होती तो शायद एक ऐसा बिग बैंग होता जो रुकता और फिर से एक बड़े क्रंच में दोबारा ढह जाता, और इस तरह से वह नष्ट हो जाता और ऐसे में जीवन असंभव हो जाता। और अगर यदि ग्रेविटी थोड़ी कमजोर होती तो ऐसा बिग बैंग बनता जो चलता ही रहता और हमारा ब्रह्मांड जमकर दम तोड़ देता। लेकिन ग्रेविटी उस ताकत से बिल्कुल सही समय पर अलग हुई, जिससे गैलेक्सी, तारे और जीवन बना। हम ग्रेविटी को अपने ब्रह्मांड के लिए एकदम सही शक्ति मान सकते हैं, परंतु कॉस्मोस को नियंत्रित करने वाला यह अकेला बल नहीं है,
प्लैंग टाइम के 1 करोड़वें हिस्से में एक बहुत ही हैरतअंगेज घटना की शुरुआत होने वाली थी। कॉस्मोस के इतिहास में विकास की ये गति बहुत ही तेज हुई। ग्रेविटी ने कॉस्मोस के भविष्य को आकार देना शुरू कर दिया था। जैसे ही ब्रह्मांड फैला और तापमान गिरने लगा, उससे एक और बल का जन्म हुआ और ये बल है स्ट्रांग फोर्स। ग्रेविटी, स्ट्रांग फोर्स और फ्रैक्चर्ड सुपर फोर्स, ये 3 शक्तियां हमारे ब्रह्मांड पर शासन करती हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये घटना हुई थी क्योंकि ये बहुत समय से मौजूद एक रहस्य को उजागर करती है। हम ब्रह्मांड में जहां भी देखते हैं, हमें ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी, तारे आदि आसमान में समान रूप से फैले नजर आते हैं और हर दिशा में इनकी संख्या एक सी ही होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जब ब्रह्मांड के ये सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े होंगे। सन 1979 में एलेन गूथ नामक कॉस्मोलॉजिस्ट ने इसका समाधान सुझाया और उन्होंने इसे कहा इन्फ्लेशन। गूथ का कहना है कि नवजात ब्रह्मांड को जबरदस्त बढ़ोतरी के दौर से गुजरना पड़ा। कॉस्मिक इन्फ्लेशन ब्रह्मांड के बेहद शुरुआती इतिहास में एक खास पल था जब इसके विस्तार का रफ्तार अचानक से बढ़ गया। ये समय के सबसे छोटे पलों के लिए बहुत ही बड़ा हो गया। बिग बैंग के 1 करोड़ प्लैंक टाइम के बाद स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा तेजी से फैलने लगा। ये रफ्तार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। ये इन्फ्लेशन इतना तेज था कि इसने अफरा तफरी और उथल पुथल को एक सही क्रम दिया और हमारे ब्रह्मांड के तमाम हिस्सों को स्पेस में समान रूप से फैला दिया और हमारे ब्रह्मांड में उनकी स्थिति को अस्थायी बना दिया। जब हमारा ब्रह्मांड ठंडा होना शुरू हुआ तो इसका वॉल्यूम 10^19 के फैक्टर से बढ़ा और वो भी 1 सेकंड के 1,000,000,000,000,000,000,000,000 हिस्से में। ये ऐसे ही है जैसे कि रेत के 1 कण का आकार बढ़ाकर सूर्य से भी बड़ा कर दिया जाए और बढ़ने की रफ्तार रोशनी के गति से भी तेज हो। तो सवाल ये है कि क्या हमने आइंस्टीन के नियम को तोड़ दिया, क्योंकि प्रकाश की रफ्तार से तेज कुछ भी नहीं है। पर बिग बैंग के बारे में एक बात यह है कि स्पेस इतना फैल सकता है कि 2 चीजें प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी के साथ एक दूसरे से दूर जाती प्रतीत होती हैं, लेकिन वो चल नहीं रही होती। वास्तव में उनके बीच का स्पेस बढ़ रहा होता है। गूथ का ये अनोखा आइडिया इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स हमारी समझ की सीमाओं को उस पहले सेकंड के सबसे शुरुआती पलों तक ले जा सकता है, लेकिन हम रचना के जन्म को टेस्ट कैसे करें या इस पर नजर कैसे डालें? हमारे इस सवाल का जवाब गहरे अंतरिक्ष में मौजूद है। जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हम अतीत को देख रहे होते हैं। सूर्य की रोशनी उसके सतह से छूटने के बाद हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट बाद पहुंचती है। एक सुपरनोवा के एक स्टेलर विस्फोट की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 1,67,000 साल लग गए और जब हम और ज्यादा दूर दराज के क्षेत्रों पर नजर डालते हैं तो समय का पहिया और पीछे चला जाता है। जब हम किसी गैलेक्सी को देखते हैं जो लगभग 10, 20 या 30 प्रकाश वर्ष दूरी पर हो तो वह उस रूप में नजर आती है जब वो बनी ही थी। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड ऐसी शुरुआती गैलेक्सियों से भरा पड़ा है जहां तारों का जन्म हुआ है, लेकिन हबल बस इतनी ही दूर तक देख सकता है। हम और कितना पीछे तक जा सकते हैं? क्या हम ब्रह्मांड के जन्म के नजदीक जा सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब टीवी स्टैटिक में है। स्क्रीन पर नजर आ रही इस झिलमिलाहट का 1% हिस्सा बिग बैंग की लाइट से आ रहा है। सन 1964 में एस्ट्रोनॉमर ऑर्नो पेंसीज एंड रॉबर्ट विल्सन अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नलों को सुन रहे थे, लेकिन हर दिशा में उन्हें एक हमिंग की आवाज सुनाई पड़ रही थी। इन्हें लगा कि रिसीवर पर से कबूतरों के बीट हटा देने से हमिंग बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में इनका सामना हुआ था बिग बैंग से पैदा हुए आग के एक विशाल गोले के बाद की चमक से। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद ये प्रकाश बिना रुके अंतरिक्ष में सफर करता रहा। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। अगर हम अब तक की कुछ सबसे बड़ी खोजों का नाम लिखना शुरू करें तो उसमें से एक हो सकती है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का पता लगना। इसकी वजह से बिग बैंग के बाद उससे पहले 3,80,000 साल पहले ब्रह्मांड रोशन हुआ था, पर इस पर उससे काफी पहले के दौर की निशानियां भी नजर आती हैं, जब इन्फ्लेशन कॉस्मोस का रूप बदल रहा था और इन्फ्लेशन के सारे राज यहीं पर छिपे हैं। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सफर को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा।